नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस निकालो प्रीलिम सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जहां से हर साल हमें क्वेश्चन देखने को श्योर शॉर्टेडली मिलता ही है। तो कौन सा है वो टॉपिक, चलिए मैं आपको बता दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त जितने भी लॉज या एक्ट्स पास किए गए और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपने आप में हैं, उनको हम कवर अप करेंगे। मैं आपको बता दूं, न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि इवन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में भी ये जो पूरी आपकी एक्ट्स है इनके बारे में बताया गया है। और आपको हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्स अगर मैं कहूँ तो ये पोर्शन से आपको क्वेश्चंस आते आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कैसे कवर करना है मैंने ऑलरेडी अपने एक हाउ टू कवर लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर में बताया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इन एक्ट्स को कवर करना है तो आपको उस वक्त की हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है खास उन एक्ट्स के बारे में और कौन सी वो एक्ट्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तमाम एक्ट्स पास हुई थी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया में। ठीक है, तो इनका जो इम्पॉर्टेंट कवरेज है वो आज हम देखेंगे। और एवरी ईयर आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 1909 वाली जो काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट थी, उससे क्वेश्चन आता है। देन आपको सुप्रीम कोर्ट कौन सी एक्ट से आया, ये क्वेश्चन आता है। मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड कौन सी एक्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। और इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन, जैसे डुअल हायरार्की किसने लाई, डायरार्की किसने लाई, ठीक है, किसने ख़त्म किया डुअल रूल, ये सारे तमाम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तमाम एक्ट्स पास की थी। ठीक है, जब इससे पहले कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता या हमारा देश आज़ाद होता। और इस पूरे जो सीरीज़ है इसकी शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और इस एक्ट का अंत होता है आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रेगुलेटिंग पहला स्टेप कहा जा सकता है। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये ब्रिटिश हुकूमत का आखिरी स्टेप हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भारत आज़ाद हो गया एंड इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन। ठीक है, तो तमाम एक्ट्स हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक्ट्स नहीं इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स का प्रोविजंस ही सिर्फ आपको नहीं देखना, इसके साथ साथ इसकी आपकी आपको एक्ट्स की बेसिकली टाइमलाइन देखनी है। ठीक है, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वॉइसराय कौन था ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहला स्टेप था ये। इस सब वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, तो बेसिकली यहाँ प्रमोशन हुआ गवर्नर से गवर्नर जनरल का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी टाइम पर बनी थी, राइट। और इसके साथ साथ 4+1 चार और एक पांच लोगों को मिला करके सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल भी बनाया गया था। ठीक है, दूसरी एक्ट है हमारी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ से आपको एक श्रिंकेज देखने को मिलती है काउंसिल में, जहाँ पहले चार थे वहाँ पर अब तीन मेंबर हो गए थे, और 3+1 जो है वो नई गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में विद्यमान हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टैब्लिश कर दिया गया था इस वक्त। ठीक है, सिविल मिलिट्री रिवेन्यू अफेयर्स ये सारे कंपनी के जो है इस्टैब्लिश हो चुके थे, और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जो है अब एम्पावर्ड नहीं थी टू रिवोक और सस्पेंड द रिजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की जगह पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर में आ चुका था। इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चार्टर एक्ट 1833 पर आएंगे तो इस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और कई बार पूछता भी है, न सिर्फ यूपीएससी में बल्कि तमाम स्टेट पीएससी एग्जाम्स में भी, तो इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी इस टाइम पर। ठीक है, इंटायर इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी, वो बॉम्बे और मद्रास वगैरह सारी चीज़ें थी। ये एक्ट जो है ये पहला लॉ था जो डिस्टिंग्विश करता था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स में। ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिएगा काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
ठीक है। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ पर फिर से इंक्रीज देखा गया मेंबरशिप में, काउंसिल की मेंबरशिप में बेसिकली, और सेपरेशंस ऑफ पावर यहाँ से और ज़्यादा शुरू हो गए थे, ठीक है। सिविल सर्विसेज इन फॉर इंडियंस जो है यहीं से शुरू हुआ, ये याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो कौन सी एक्ट थी जिसके तहत सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए इंडियंस को अलाउ किया गया, तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 57 की वॉर से कुछ समय पहले की, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन आई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में, और चार मेंबर जो थे उसमें लॉ मेंबर को इंक्लूड किया गया एज फुल टाइम मेंबर इन दी गवर्नर जनरल्स काउंसिल में, ठीक है। कौन था वो पहला लॉ मेंबर, जरा फटाक से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, आप सभी को पता होगा, ओके नाम बता दीजिए मुझे फटाक से, ठीक है। अच्छा, काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है अब आपके हो गए थे एक तरफ चार और एक पांच, तो ये लोग थे, प्लस छह लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को भी ऐड किया गया था, और इन छह मेंबर्स में एक थे हमारे चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, और चार मेंबर्स थे ICS के, ठीक है। इन चारों ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स को समराइज कर दिया है इस टेबल में, बहुत अच्छा है, कोई डिटेल में जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल पढ़ लेना है और इसको कहीं पेस्ट कर लीजिए, या हो सकता है इसको बना लीजिए और कहीं लगा दीजिए, आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और चार्टर एक्ट 33 में ही जो लॉज थे जो भी बनाए गए उनको एक्ट कहा जाने लग गया, ठीक है। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 57 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके जस्ट बाद वाली एक्ट, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। सबसे पहले इंडिया को गवर्न किया जाना था इन द नेम ऑफ क्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का रोल ख़त्म हो जाता है और यहाँ से वाइस रॉय का रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली लॉर्ड केनिंग जो थे इस वक्त में पहले वाइस रॉय बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को ही अबॉलिश कर दिया गया, एक नया ऑफिस सेटअप किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से, जिसमें 15 मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हिम, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भी इसका जिक्र हम करेंगे, ठीक है, आगे आता है काफ़ी ज़्यादा, ओके। मेजर फोकस जो है 1858 वाली एक्ट का था हमारा बेसिकली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, की जो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, जगह जगह से लोग आकर के विद्रोह किए थे, तो अब मुद्दा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए इंडियंस को लेजिस्लेशन से एसोसिएट किया गया, और ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की वो रीस्टोर कर दी गई थी, ये सब तमाम जानकारियां आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो 1861 में इस काउंसिल को, इस एक्ट को पास किया गया, और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है इस वक्त में एक और मेंबर एक्स्ट्रा जुड़ गए थे, जो वॉइस रॉय थे उनको, उनके पास जो पावर थी टू नॉमिनेट 6, वो 6 से 12 की हो गई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, ओके। और कंपोजिशन ऑफ एडिशनल मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कितने परसेंट नॉमिनेट होते थे, कितने ऑफिशियल होते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ऑर्डिनेंस, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो कि रीस्टोरेशन हुआ था, ठीक है, लेजिस्लेशन देख लीजिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम देख लीजिएगा, और फिफ्थ मेंबर जो एक एक्स्ट्रा मेंबर मैंने बताया कि ऐड किया गया था, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यहाँ से मिलते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस एक्ट के तहत पहली बार आया क्या, इलेक्शन रोल में, ठीक है। तो किस एक्ट के द्वारा इलेक्शन आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। एडिशनल मेंबर्स जो हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के वो बढ़ा दिए गए, 16 से 60 कर दिए गए, कंपोजिशन जो है उनका इस प्रकार हो गया, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, और इसके अलावा यहाँ पर ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। सो मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का फोरम भी आया, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए आपको मैंने इमेज दी है, ये हमारे थे क्लेम्सफोर्ड और ये थे मॉन्टेग्यू जी,
ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटर इस लेजिस्लेचर जो है इस वक्त के बाद इंडियन लेजिस्लेचर के रूप में जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। और ये जो एक्ट है इसमें आया, इंट्रोड्यूस हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा, वो था बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, ठीक है। टू हाउसेज जिसको हम कहते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, आज की डेट में भी हमारे यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस है पार्लियामेंट में, तो वो चीज़ यहाँ से आई, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट में जो 60 मेंबर्स थे जिनमें से 34 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स हुए जिनमें से 104 को इलेक्ट किया गया और बाकी नॉमिनेटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी हुआ है तो हो सकता है यहाँ से कनेक्ट कर दे। ओके अच्छा, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनमें से 26 जो थे वो ऑफिशियल्स थे, ये याद रखना है। सेंट्रल प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को डीमार्केट किया गया था, यानी कि सब्जेक्ट लिस्ट को यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ओके लिस्ट है, होती है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो यहाँ से देख सकते हैं आप। और जो प्रोविजन सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर किया गया इनटू फर्दर डिवाइड किया गया उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। और यहाँ पर आया सिस्टम डायार्की का, ठीक है, ये बहुत पूछता है डायार्की का सिस्टम कौन सी एक्ट से आया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल था इनका टू सेपरेट इलेक्टोरेट का, और वो फर्दर एक्सटेंड हो गया सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस में भी आगे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ से उठाए गए हैं। तो ये जो एक्ट थी इसने मार्क किया ग्रेट स्ट्राइड इन द इवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स। जो फेडरल लेजिस्लेचर था बेसिकली उसको बनाया गया दो हाउसेस का, एक था हमारा हाउस ऑफ असेंबली जिसको फेडरल असेंबली कहा गया, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फेडरल असेंबली में 375 मेंबर्स आए और 250 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को, 125 रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन स्टेट्स को, और बाकी नॉमिनेटेड थे बाय द रूलर्स, ठीक है। तो जो बेसिकली इस टाइम पर जो असेंबली थी उसका टर्म फिक्स किया गया 5 ईयर्स। देखिए ये सारे फीचर्स काफ़ी कॉमन है हमारे आज के टाइम की गवर्नेंस से, राइट, तो इसलिए ये उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। एक एक पॉइंट इनका प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पूछता है कई बार कि कौन सी एक्ट थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे अडॉप्ट किए गए, तो वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एक्ट के द्वारा हुई थी वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके द्वारा आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड किया गया टू डिप्रेस क्लासेस, वुमेन एंड वर्कर्स तक। ओके नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फाइनली हमारा देश आज़ाद होने पर आया, और ये एक्ट फॉर्मलाइज की थी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात की गई, टू ग्रांट दिस ऑन June 3, 1947। ये एक्ट जो है एंड करती है ब्रिटिश रूल को भारत में और डिक्लेयर करती है इंडिया को एज द इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन फ्रॉम August 15, 1947। ओके और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी एक्ट डिवाइड करती है, तो ये याद रखना है। ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय जो है इस एक्ट के बाद अबॉलिश हो गया, गवर्नर जनरल अपॉइंटेड थे इन ईच ऑफ द डोमिनियंस, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। वो तो आपको बताना है कि इंडिया में तो चलो आपको पता होगा, पाकिस्तान में कौन थे उस वक्त पर अपॉइंटेड गवर्नर जनरल, नाम बता दीजिए फटाक से, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इस टाइम की दो डोमिनियंस की, उनके पास पावर्स था कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो फ्री थे कि वो दोनों में से किसी भी राज्य को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी दो डोमिनियंस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो ये भी चूज कर सकते हैं कि भाई उन्हें इंडिपेंडेंट रहना। और आपको पता है कि तमाम देशों ने उस टाइम पे ज्वाइन भी किया था, कुछ देश जो है इंडिपेंडेंट भी रहे, फिर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये थे हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आई होप आपको समझ आई होगी। इसका PDF हम आपके साथ कम्युनिटी स्पेस में शेयर कर देंगे, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं इन तमाम एक्ट से, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कमी है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उसको सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और किन टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स चाहिए आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू कवर दोज एरियाज, बोथ फॉर अपकमिंग एग्जाम 2022 या फिर 2023 और 24 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके नज़रिए से भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।